इन दिनों ड्रग केस मामला सुर्खियों में बना हुआ है, जहां एक तरफ सुशांत सिंह राजपूत के केस की चल रही जांच में ड्रग कनेक्शन सामने आने के बाद रिया चक्रवर्ती के साथ साथ कई और को भी गिरफ्तार किया गया है, तो वहीं बेंगलुरु के हाई प्रोफाइल ड्रग्स केस भी सुर्खियों में बना हुआ है। कुछ दिनों पहले इस केस में कन्नड़ अभिनेत्री रागिनी द्विवेदी को गिरफ्तार किया गया था और अब इस ड्रग्स केस में एक और कन्नड़ अभिनेत्री की भी गिरफ्तारी हुई है। केंद्रीय अपराध शाखा ने अभिनेत्री संजना गलरानी को गिरफ्तार कर लिया है। संजना गलरानी कन्नड़ सिनेमा की मशहूर अभिनेत्रियों में से एक है। वो कई तमिल और तेलुगु फिल्मों में भी नजर आ चुकी हैं। संजना ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की थी। इसके बाद संजना गलरानी कई टीवी विज्ञापनों में भी नजर आ चुकी हैं। फिल्मों में आने से पहले संजना ने 50 से भी ज्यादा विज्ञापनों में काम किया था। वहीं संजना गलरानी ने अपने फिल्मी सफर की शुरुआत तमिल फिल्म ओरु कदल सेवीर से की थी। इसके अलावा संजना साल 2013 में कन्नड़ रियलिटी शो बिग बॉस में भी नजर आ चुकी हैं और संजना गलरानी को आखिरी बार पारस छाबड़ा के टीवी शो मुझसे शादी करोगे में देखा गया था। इस शो में संजना गलरानी पारस से शादी करने की ख्वाहिश को लेकर पहुंची थी। हालांकि संजना गलरानी इस शो की विजेता नहीं बन पाई और न ही उनका पारस के साथ स्वयंवर हो पाया। और अब संजना की गिरफ्तारी के बाद कई और की भी गिरफ्तारी हो सकती है। सुशांत सिंह राजपूत के केस की मुख्य आरोपी बनी रिया चक्रवर्ती के साथ ईडी, सीबीआई और एनसीबी की लगातार पूछताछ चल रही है और इस केस में अभी मुख्य रूप से ड्रग एंगल की जांच चल रही है, जिसके तहत रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती और सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा को गिरफ्तार कर लिया गया है। और अब रिया ने पलटवार में सुशांत की बहन प्रियंका सिंह और एक डॉक्टर के खिलाफ मुंबई पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी है, जहां इन दोनों पर सुशांत को प्रतिबंधित दवाएं दिलवाने का आरोप लगाया गया है। रिया चक्रवर्ती की ओर से दाखिल शिकायत में कहा गया है कि सुशांत की बहन प्रियंका सिंह, डॉक्टर तरुण कुमार और दूसरे के खिलाफ आईपीसी नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट एंड टेलीमेडिसिन प्रैक्टिस गाइडलाइंस के तहत रिपोर्ट दर्ज की जाए और एएनआई ने इस संबंध में ट्वीट करके जानकारी दी है। शिकायत में आगे कहा गया है कि प्रियंका ने सुशांत को जो प्रिस्क्रिप्शन भेजा था उसमें डॉक्टर तरुण कुमार ने सुशांत से कंसल्ट किए बिना, जो कि कानूनी रूप से जरूरी है, ऐसी दवाएं लिख दी थी जो नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985 के तहत नियंत्रित होती है। डॉक्टर तरुण कुमार द्वारा लिखी गई दवाएं टेलीमेडिसिन प्रैक्टिस गाइडलाइंस 2020 के तहत इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी प्रस्तावित करने के लिए प्रतिबंधित है। आपको बता दें, सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग्स का एंगल सामने आने के बाद रिया से एनसीबी की पूछताछ जारी है। सोमवार को भी एनसीबी ने रिया को पूछताछ के लिए बुलाया था। जुलाई के अंत में सुशांत के पिता के सिंह ने पटना में रिया चक्रवर्ती, उनके पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती, भाई शौविक चक्रवर्ती, मां संध्या चक्रवर्ती, पूर्व बिजनेस मैनेजर श्रुति मोदी और हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिसके बाद से इस केस की जिम्मेदारी सीबीआई को सौंपी गई।